थोड़ा एमबीबीएस एमबीबीएस इसको जरा पढ़ाई करने लाओ गाइस, पढ़ाई कर रहे डॉक्टर वॉक्टर बनो भाई, तुम जाओ ना, तुम बन रहे ना, चल को सिखा देता, चल चल बस हो गया। भाई तू क्लास आ, पहले क्लास आ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो देखो ऐसा है, अभी चल रहा है बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा है, मतलब पहले एक्सप्लेन करके हो गया उनका, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं प्रैक्टिकल, ऐसे ही होता है भाई, कुछ नहीं होता, यही करता है मतलब। तो यार प्रैक्टिकल जो है वो हो गया है, अभी हम हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं पीछे के रूट से, मतलब हम पीछे के रूट से आना जाना करते हैं कॉलेज को। और फिर बताता हूँ मैं आपको कि इतने दिन में कहाँ गया था, कहाँ बिजी था। तो गाइस हेलो बोल दो, गाइस हेलो, दिस इज वैभव, नहीं बाद में सबका इंट्रोडक्शन धीरे धीरे करेंगे, अभी सिर्फ हाय बोलने के लिए कहा था मैंने, ठीक है मिलते हैं फिर। तो हम लोग आ गए हैं हॉस्टल, और ये मेरा रूम नहीं है, ये मेरे दोस्त का रूम है, यहाँ पे सबने महफिल बना रखी है, मैं सब खाना लेके आया मेज से। ये हमारे बैच का सीआर युवराज लाजुन को रही, ये ऋषिकेश क्षीरसागर काफी ऑफर कर रहे हैं, थैंक यू। और ये हमारे बैच का सोनी, अक्षत सोनी, जो सिर्फ सोनी नाम से फेमस है। और ये सब मैं खाने है, फेमस हो जाता है। हमारे ग्रुप पे सिर्फ सोनी ही आता है। सोनी। क्या कर रहा है अभी? ये है आशीष भागवत द प्रो प्लेयर पबजी। ये है वैभव खेड़कर, क्या करता है तू? चेस प्लेयर। प्रो प्लेयर, चेस प्लेयर। Who are you? कौन है तू? नामी का प्लेयर। ये है आज का मेस का खाना, बट हम ये नहीं खाने वाले हैं, हम खाने वाले हैं, मैं आपको रूम पे जाके दिखाऊंगा। तो लंच में मैंने खाया ब्रेकफास्ट, तो ये एक्चुअली मुझे इस एंगल से इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि मैंने जिस एंगल से ये बात बोली थी अपने रूम में जाके, उस एंगल में मेरा फेस ही नहीं दिख रहा था। तो ब्रेकफास्ट इसलिए खाया मैंने क्योंकि सुबह आज ऑमलेट थे, तो मैंने सोचा है सुबह ब्रेकफास्ट में भी ऑमलेट खाते हैं, लंच में भी ऑमलेट खाते हैं, तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से जिम जा रहा हूँ तो थोड़ा देख रहा हूँ प्रोटीन वोटीन कहाँ से मिले। तो नाश्ता तो लंच तो हो गया, चलिए आगे कहानी सुनते। तो देखो बात ऐसी है कि अभी है फिजियोलॉजिकल लेक्चर, और वो मेरे दोस्त आ रहे हैं उधर से, हंस रहे हैं बच्चों मेरी, हंस रहे हैं मेरे बैठने के स्टाइल पे। तो बात ऐसी है कि पहला मंथ जो था जहाँ जब हमारा कॉलेज शुरू हुआ, यानी कि अप्रैल मंथ, वो मंथ तो अडेप्टेशन में चला गया, अडेप्ट करने में कॉलेज का माहौल। और सीरियस रीज़न तो ये है कि सिक्स मंथ मुझे इसमें ही चले गए कि कैसे करना है लाइफ। थोड़ा एमबीबीएस एमबीबीएस इसको जरा पढ़ाई करने लाओ गाइस, पढ़ाई कर रहे, डॉक्टर वॉक्टर बनो भाई, तुम जाओ ना, तुम बन रहे ना, चल को सिखा देता, चल चल बस हो गया। भाई तू क्लास आ, पहले क्लास आ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि पिछले 6 महीनों से अडेप्टेशन के चक्कर में मेरे निकल गए। पहला मन तो अडेप्ट होने में लग गया कि मतलब सीनियर से इंटरेक्शन वगैरह इन चीज़ों में निकल गया। फिर हाँ, तो फिर जो नेक्स्ट मंथ है उसमें थे हमारी फ्रेशर्स, यानी कि मई में। तो फ्रेशर्स में आपको लग रहा होगा फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, कितना अच्छा कंटेंट बनता था, कंटेंट तो बहुत अच्छा बनता था, बट मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि इस मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। मैं कुछ कुछ वीडियोस बनाया, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट फ्रेशर्स में हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे नॉर्मल फ्रेशर्स नहीं होती, काफ़ी प्रैक्टिस होती है, काफ़ी स्टेज प्रैक्टिस होती है, और बहुत लोगों के सामने होती है, मतलब टीचर्स वगैरह होते हैं, तो अच्छे से परफॉर्म करना होता है सबको, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, मतलब बहुत थक जाते थे हम, तो इसलिए मैंने तब फिर ब्लॉग नहीं बनाया।
ये सब मैं सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, ठीक है? आगे से एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, आगे से रेगुलरली वीडियोस आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। मतलब सब बोल रहे हैं भाई कि करेंगे यार साथ में, बनाया कर तो कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट मंथ था जून। जून में क्या हुआ? हाँ, तो जून में हुआ था हमारे कॉलेज का इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन। और इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में प्राइवेट कॉलेज में होता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही काम करना पड़ता है, तो हम उस काम में लग गए थे। और बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन था, बड़े बड़े महाराष्ट्र के सभी अलग अलग जेएमसी से कॉलेज से लोग आ रहे थे, तो उसमें हमारी लग गई थी। तो जून मंथ तो ऐसे ही निकल गया काम काम में। हाँ तो भैया, जुलाई में क्यों नहीं बना पाए आप व्लॉग्स? तो जुलाई में एक्चुअली हमारी हुई थी फर्स्ट इंटरनल। अब ये फर्स्ट इंटरनल क्या होता है ये आपको सबको मालूम होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, जहाँ पे प्रॉपर फर्स्ट पहली बार अपन MBBS की एग्ज़ाम कैसी होती है देते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायो के सब प्रैक्टिकल्स वैक्टिकल्स होते हैं, तो जिसमें हमारी फिर बहुत बुरी तरह से लग गई थी। पहली एग्ज़ाम थी, मार्क्स कितने हैं ये अभी पता है बट मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत बुरी तरह से लग गई थी, जिसके वजह से हम थोड़े और नीचे की तरह चले गए। फिर इंटरनल्स तो हो गई, कोई बात नहीं, नीचे चले गए कोई बात नहीं। फिर हम चले गए थे घर, यानी कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में चले गए थे घर। फिर आधा महीना तो घर पर ही निकल गया, फिर उसके बाद का जो आधा महीना था वो था एक्साइटिंग महीना, क्योंकि पापा आने वाले थे 31st अगस्त को। हाँ तो भैया, उसके बाद आ गया था अगस्त के लास्ट 15 days और सितंबर के फर्स्ट 15 days। तो उसके बाद आ गए थे गणपति बप्पा, और गणपति बप्पा की प्रिपरेशन आपको तो पता ही है महाराष्ट्र में कैसी होती है। ऐसी धूमधाम से बहुत बड़ा गणपति बैठाया था हमारे कॉलेज के कैंपस में। फिर 10 दिन अलग अलग प्रोग्राम्स हुए थे, जिसमें डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ऐसे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हुई थी। और तुम्हारे भाई ने तीन डांस किए थे उसमें, और एंकरिंग भी की थी साथ में, समझ रहे हो? एक ही प्रोग्राम में तीन डांस, और उसी प्रोग्राम में शुरुआत में एंकरिंग। बहुत चौड़ हो गई थी हमारी नहीं, इतनी भी नहीं हुई थी, आफ्टर ऑल आई एम फर्स्ट ईयर की तरह ही रहना पड़ता है। फर्स्ट ईयर की तरह मतलब सबको मालूम ही है मेडिकल कॉलेज में कैसा रहना पड़ता है, जो कि आप समझ सकते हो मैं बहुत अच्छी तरह रह रहा हूँ। पूरे कॉलेज में घूम रहा हूँ, कैंपस में घूम रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। आपने देखा ही होगा मैंने वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट की नेट्स, और अभी फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा हूँ। तो कैंपस का भी दर्शन हो ही गया जैसे। और चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट, अभी अपने को निकलना है कॉलेज के लिए, क्योंकि दूसरा जो 2 से 3 बजे का लेक्चर था फिजियोलॉजी का, आपने देखा मैंने मिस कर दिया, सब दोस्त जा रहे थे। तो 3 से 5 अपने यहाँ है डिसेक्शन, जो अपने को मिस करना नहीं है, तो चलिए निकलते हैं, ठीक है? और हाँ, मम्मी और सभी रिलेटिव जो भी देख रहे हैं, सिर्फ यही लेक्चर मिस किया मैंने 2 से 3 बजे का, सुबह गया था कॉलेज, आपने भी देखा, ठीक है? अभी वापस जा रहा हूँ कॉलेज। देखो मम्मी, मैं वापस जा रहा हूँ कॉलेज, ठीक है? इतने भी कॉलेज बंक नहीं करता मैं, और अभी सेकंड लेक्चर दोनों ने भी बंक किया था, आप दोनों साथ जा रहे हैं, ठीक है? चल बाय बाय मम्मी। बस चला, अरे मजा तो अभी मैं आया हूँ कॉलेज की जिम में, और इसके बाद जाऊँगा हॉस्टल, खाना खाऊँगा, फिर पढ़ाई करूँगा, और फिर सो जाऊँगा। तो मैं सोच रहा था कि आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुनो तो अपने दिल की।